ज़िब्रोनिक्स जूक बार 9800 प्रो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार इंडिया में लॉन्च हो गई और उसके लॉन्च के साथ कई सवाल खड़े होते हैं। डॉल्बी एटमॉस डीकोडिंग, डॉल्बी डिजिटल डीकोडिंग, बेस रिस्पॉन्स ऑन लो वॉल्यूम, ओवरऑल ऑडियो सिग्नेचर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुड यू बाय इट? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ज़िब्रोनिक्स जूक बार 9800 प्रो का एक ऐसा रिव्यू, एंड आई गारंटी यू, जो आपने पूरे YouTube पे कहीं नहीं देखा होगा। इस तरह के बॉक्स में पैक होके आती है ज़िब्रोनिक्स की ये साउंड बार। बॉक्स के फ्रंट पे आपको ज़िब्रोनिक्स जूक बार 9800 प्रो के ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट देखने को मिलेगी। इन सब के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें है वो है 4K HDR सपोर्ट। बॉक्स के टॉप पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस की डिटेल्स मिलेंगी जो ज़िब्रोनिक्स की ये साउंड बार आपको देती है, और बैक साइड पे आपको स्पेक्स देखने को मिलेंगे। डोंट वरी, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साउंड बार को मैंने अनबॉक्स कर लिया है एंड दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द साउंड बार। ज़िब्रोनिक्स की ये साउंड बार ब्लैक मैश ग्रिल डिजाइन के साथ आती है और लेफ्ट साइड पे आपको ज़िब्रोनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। इस साउंड बार के अंदर आपको 2.5 इंच और 3 ओम्स के 4 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे और 2 इंच और 8 ओम्स के 2 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे, और साउंड बार के राइट साइड पे आपको डॉल्बी एटमॉस लोगो देखने को मिलेगा। साउंड बार के दोनों साइड्स पे आपको एयर वेंट्स देखने को मिलेंगे एंड दे लुक ब्यूटीफुल। साउंड बार के टॉप के ऊपर आपको पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम प्लस माइनस या फिर इनपुट चेंज करने के फिजिकल बटन्स मिलते हैं एंड देयर रिस्पांस इज क्वाइट टैक्टाइल। साउंड बार की बैक साइड पे आपको एक HDMI ARC आउटपुट मिलता है जो कि 2.0 पोर्ट है। दो HDMI इनपुट्स मिलेंगे और वो भी 2.0 पोर्ट्स हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट मिलेगा, एक USB पोर्ट और एक ऑक्स पोर्ट मिलेगा। इस साउंड बार के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी और वर्जन है 5.0, और ये है इस साउंड बार के साथ मिलने वाला वायरलेस एक्टिव सबवूफर। इस सबवूफर के फ्रंट के ऊपर आपको एक सर्कुलर सॉर्ट ऑफ स्पाइरल बट वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन एयरवेंट मिलता है, और साइड में आपको 6.5 इंच और 3 ओम्स का सबवूफर ड्राइवर देखने को मिलता है। इस साउंड बार का SNR है 72 डेसिबल्स और सेपरेशन है लेस देन इक्वल टू 42 डेसिबल्स, और इस साउंड बार का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 45 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक। सबवूफर की बैक साइड पे आपको एक LED इंडिकेटर मिलेगा जो कि बताएगा कि कनेक्शन हो चुका है साउंड बार के साथ कि नहीं, और अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता तो आपको ये WPS बटन दिया गया है जिसे आप प्रेस करके कनेक्शन को साउंड बार के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मेरी टेस्टिंग के दौरान मुझे एक बार भी इस बटन को यूज नहीं करना पड़ा। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट भी दिया गया है, वो सिर्फ अपडेट्स के लिए है, आप इससे कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते। ये साउंड बार 38 इंचेस वाइड है और वे करती है 3.4 kgs। इस साउंड बार के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी ट्रू HD, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी सराउंड और 4K पास थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि इस साउंड बार के HDMI इन पोर्ट पे आपको कोई भी 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस लगाना होगा, और जब भी आप उस पर कोई 4K कंटेंट प्ले करेंगे तो ये साउंड बार आपके TV में 4K कंटेंट पास थ्रू करेगी। ज़िब्रोनिक्स की ये साउंड बार आपको 330 वॉट का टोटल आउटपुट देती है, जबकि ज़िब्रोनिक्स ने अलग अलग ड्राइवर्स का आउटपुट डिक्लेयर नहीं किया। इस साउंड बार का सबवूफर आपको 120 वॉट का आउटपुट देता है, एंड लेट मी टेल यू दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त बेस प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी एक्सेसरीज मिलती हैं आपको बॉक्स के अंदर। सबसे पहले आता है एक रिमोट कंट्रोल जो कि फुल्ली फंक्शनल है, और इसके साथ आपको मिलती हैं बैटरीज और एक यूजर मैनुअल। इस रिमोट की एक अच्छी बात यह है कि आप वॉल्यूम के साथ साथ बेस और ट्रेबल को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इस साउंड बार के साथ आने वाली केबल्स की बात करें तो आपको एक ऑक्स केबल मिलेगी, पावर केबल मिलेगी साउंड बार के लिए, एक HDMI केबल मिलेगी, एक ऑप्टिकल केबल मिलेगी, और ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस साउंड बार के साथ आने वाले मेटल के वॉल माउंट और उनके स्क्रूज। मैं रेकमेंड करूंगा कि इस साउंड बार को अगर आप लें तो आप उसे वॉल माउंट ही करें।
लुक्स और स्पेक्स की बातें बहुत हो गई, अब करते हैं ज़ेब्रोनिक्स की इस साउंड बार का ऑडियो टेस्ट। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि YouTube पे कोई भी ऑडियो 90% कॉम्प्रेस हो जाती है, इसलिए आपको रियल ऑडियो का कभी भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने 4-5 सॉन्ग्स अलग अलग जॉनरा के इस साउंड बार से रिकॉर्ड करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनके लिंक से आप उसे डाउनलोड करके सुन सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये साउंड बार कैसी साउंड करती है। और हाँ, वो सॉन्ग्स भी सिर्फ 30% या 40% वॉल्यूम पे ही रिकॉर्ड करे गए हैं, ताकि आपको रियल ऑडियो को पता चल सके। आप उन्हें भी जरूर चेक करिएगा। अभी जो आपने ऑडियो टेस्ट सुना वो 40% वॉल्यूम पे रिकॉर्ड करा गया था, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपको बेस में बिल्कुल भी कमी नहीं मिली डिस्पाइट 90% कंप्रेस्ड ऑडियो ऑन यूट्यूब। इसका कारण है ये एक्टिव सबवूफर। इस साउंड बार के अंदर जो भी लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो रिसीव होती है वो सीधा इस सबवूफर के अंदर पहुंचती है, जो इसका एम्प एम्पलीफाई करके आप तक पहुंचाता है। एंड दैट इज व्हाई इसके अंदर आपको बेस हैवी मिलेगी फ्रॉम लोएस्ट वॉल्यूम टू दी हाईएस्ट वॉल्यूम। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एंड दैट वॉज अ ह्यूज एंड बिग सरप्राइज टू मी, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस साउंड बार के अंदर फुल वॉल्यूम पे आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा, लेकिन आई वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। अनदर पॉइंट टू नोट इज कि मैंने इस साउंड बार को 150, 250 और 300 स्क्वायर फीट्स के रूम के अंदर टेस्ट किया, एंड आई कैन कंक्लूड कि इस साउंड बार के अंदर आपको ऑडियो सिग्नेचर जो मिलता है उसे हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं लाउड थिएटर टाइप ऑडियो सिग्नेचर। और अब हम बात करते हैं इस साउंड बार की सबसे बड़ी खूबी यानी डॉल्बी एटमॉस के बारे में। ये साउंड बार एक्चुअली में डॉल्बी एटमॉस के अनकॉम्प्रेस्ड ऑडियो को डिकोड कर सकती है एंड कॉम्प्रेस्ड ऑडियो को नहीं। इसका मतलब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इस साउंड बार को अगर आप किसी भी टीवी के EARC पोर्ट से कनेक्ट करेंगे तो ये साउंड बार आपको डॉल्बी एटमॉस डिकोड करके देगी। लेकिन अगर इस साउंड बार को आप किसी टीवी के ARC पोर्ट से कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपको जो कॉम्प्रेस डॉल्बी एटमॉस के ऑडियो मिलेंगे उसे ये डिकोड नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपके पास एक और रास्ता है। आप इस साउंड बार के HDMI इन पोर्ट में कोई डॉल्बी एटमॉस का कंपैटिबल टीवी डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे एप्पल टीवी 4K। अनफॉर्चुनेटली फायर स्टिक 4K अब नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी एटमॉस को इंडिया में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए दी ओनली पॉसिबल डिवाइस इज एप्पल टीवी 4K और मे बी Xbox और मे बी PlayStation 5 और 4। बट हर इंसान PlayStation या Xbox नहीं खरीद सकता और ना ही Apple TV 4K। सो द बेस्ट alternative इन my ओपिनियन इज ओनली एंड ओनली अ TV विद EARC पोर्ट। बट does that mean कि ये साउंड बार आपको डॉल्बी डिजिटल के सिग्नल्स भी डिकोड करके नहीं देगी या इसके ऑडियो में कोई फर्क आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी टीवी के HDMI ARC पोर्ट से इसे कनेक्ट करेंगे तो आपको डॉल्बी डिजिटल डिकोडिंग इजीली मिल जाएगी एंड आप एक अच्छा म्यूजिक ऑब्टेन कर पाएंगे, अच्छा ऑडियो सिग्नेचर, और उसमें आपको मिलेगा रूम फिलिंग साउंड का एक्सपीरियंस। यानी आप एक ऐसा ऑडियो सिग्नेचर पाएंगे जिसमें चारों तरफ से आपके रूम में ऑडियो फिल हो जाएगी इस साउंड बार की वजह से। डू नॉट गो ऑन द साइज ऑफ दिस साउंड बार, दिस इज अ बीस्ट। ये एक पावर हाउस है जो बहुत ही शानदार ऑडियो सिग्नेचर के साथ आता है, और आप सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी अचीव कर पाएंगे HDMI आउटपुट से। अब बारी आती है इस साउंड बार के कॉन्स के बारे में बात करने की। कॉन्स बहुत सिंपल और स्ट्रेट हैं कि आपको HDMI EARC पोर्ट नहीं मिलता और डॉल्बी एटमॉस के कॉम्प्रेस्ड ऑडियो सिग्नल्स की डिकोडिंग नहीं मिलती। ये अचीव करने के लिए आपको एक टीवी
HDMI EARC पोर्ट के साथ चाहिए ही चाहिए। उसके बिना आपको डॉल्बी एटमॉस का मजा ये साउंड बार नहीं दे पाएगी, बट डॉल्बी डिजिटल आपको फिर भी मिल पाएगा। और अगर मैं निटपिक करूं तो इस साउंड बार के अंदर एक छोटा सा और कॉन है कि इसका SNR है 72 डेसिबल्स। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा होता, जैसे लेट्स से 80 और अबव, तो इसके अंदर आपको और ज्यादा बैलेंस्ड ऑडियो देखने को मिलती। बट दिस साउंड बार इज हैवी बेस सिग्नेचर साउंड बार, जिसलिए मैंने इसको बोला है लाउड थिएटर टाइप ऑडियो सिग्नेचर साउंड बार। इस साउंड बार को अगर मैं कंपेयर करूं लेट्स से विद यामाहा YAS 209, जिसमें आपको 82 डेसिबल्स का SNR मिलता है, या फिर पोल्क कमांड बार जिसमें आपको 90 डेसिबल्स का SNR मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड ऑडियो के साथ आती हैं। बट ऑल सेड एंड डन दे आर प्राइस 30,000 और मोर, और इसका प्राइस रखा गया है 21,000 रुपीज ओनली। एंड इन दिस प्राइस दिस इज वन ऑफ अ बीस्ट। बहुत ही शानदार साउंड बार है, और अगर आपको इस टाइप का ऑडियो सिग्नेचर पसंद है देन यू मस्ट गो एंड चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बहुत ही शानदार साउंड बार है। पूरा वीडियो खत्म हो गया और मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये साउंड बार जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर आ जाए मेरे सोशल मीडिया पे और मुझसे सवाल पूछें। 24 आवर्स के अंदर आपको मैं जवाब दूंगा ही दूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।